अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं कोफ्ते। कोफ्ते बहुत ही सादा और आसान सी रेसिपी दूंगी, आराम से हर बंदा बना सकते हैं। आधा किलो कीमा मेरे पास, इसमें जाएगा एक टीस्पून नमक जाएगा, आधा टीस्पून हल्दी जाएगी, करी पाउडर एक टेबलस्पून, धनिया पाउडर, बेसन आप अपने ज़रूरत के मुताबिक डाल सकते हैं। अगर कीमा जो है थोड़ा सा टिका हो जाए या तो फिर ज़्यादा भी कर सकते हैं ना। कीमा मैंने धो के और छलनी में रख दिया था, इसका पानी जो है सारा निकल गया। आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। बड़े अच्छी तरह इसके कोफ्ते बनेंगे। और हमें यहाँ से जो कीमा मिलता है वो बिल्कुल बारीक होता है। आप अगर आपके पास अगर मोटा मिलता हो तो वो वहाँ जहाँ से आप खरीदते हैं उनको कह सकते हैं कि हमें दो दफ़ा मशीन में से निकाल दें। तो मैं इसे कुछ नहीं करूँगी चॉप वगैरह, बस ये जिस तरह इसी तरह मैं इसे बनाऊँगी। इसका आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल पानी नहीं है। और ये सारे जो मसाले मैंने आपको बताए हैं, ज़ीरा पाउडर, हल्दी, करी पाउडर, धनिया पाउडर और बेसन, नमक सारे जाएंगे इसमें। इसमें एक टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट जाएगा। और ये मैंने एक दरमियाने साइज़ का प्याज और दो बड़ी सब्ज़ मिर्चें पीस के रखी हुई हैं, इसमें ये डालूँगी। अब इनको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसके हम कोफ्ते तैयार करेंगे। कोफ्ते आप छोटे बड़े साइज़ आप खुद अपनी मर्ज़ी का रख सकते हैं। मैं दरमियाने साइज़ के कोफ्ते बनाती हूँ। तो इसमें आप सब्ज़ धनिया भी डाल सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है या अपने टेस्ट के हिसाब से। मैंने यहाँ सब्ज मिर्चें जो है वो लेके पीस ली थी, प्याज और सब्ज मिर्चें जो मिक्स पीस ली थी, तो इसलिए मैं धनिया। अब हम कोफ्ते बनाने शुरू करेंगे। तेल जो है मैं थोड़ा ज़्यादा डालती हूँ क्योंकि प्याज जो है सही तरह भुनते नहीं। तो आप अपने जितना आप काम ज़्यादा कर सकते हैं जितना खाते हैं, मैं इसमें थोड़ा ज़्यादा ही रखूँगी। और मैं जो प्याज जो है वो मैं पीसती नहीं हूँ, इसलिए कि मुझे लगता है कि प्याज कच्चे रहते हैं जो पीस के डालते हैं, तो इसलिए मैं प्याज काट के नॉर्मल भून लेती हूँ। चूल्हा हमने ऑन कर लिए। नमक जो है वो मैं पहले डाल लूँगी। नमक डालने से ये होता है कि प्याज जो है वो बड़े अच्छी तरह डाल देते हैं। जब इस तरह का कलर आ जाए तो उसमें हम डालेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट, डाल लेंगे थोड़ी देर के लिए।
जब इस तरह इतने से प्याज सुनहरे हो जाएं तो इसमें थोड़ा सा पानी का छींटा लगा लेंगे। पहले मैंने उस कीमे में डाल के वो कीमा मिक्स कर लिया, तो आज बाकी के जो बचे हैं वो मैं इसमें डालूंगी। तो मसाला बनाया कोफ्ते का, अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी, मेरे पास फ्रेश टमाटर नहीं आए तो मैं टमाटर पेस्ट है वो डालूंगी। दो आप इसमें दही जाएगा, दही आप अपने पेस्ट के साथ से डाल सकते हैं। दो तीन खाने क्योंकि मेरा तीन आधा किलो है तो फिर उस हिसाब से उसका काफ़ी होता है। दही आपने अच्छी तरह फेंट लेना है, तो जब ये गर्म ऑयल में जाता है तो इसकी जो है फटने का काम होता है। चूल्हा हम ऐसा कर लेंगे तकरीबन मीडियम पे, मीडियम से भी थोड़ा सा नीचे का है। अब हम इसमें कोफ्ते डालते जाएंगे। इसको हम ऊपर से कवर करेंगे तकरीबन दो से तीन मिनट के बाद, जब ऊपर से कोफ्तों का कलर थोड़ा सा चेंज होए तो इसे हमने ऐसे पकड़ के आपको मैं दिखाती हूँ कैसे हिलाना, वरना कोफ्ते टूटने का डर होता है। अगर जल्दी आप चमचा चलाएंगे तो कोफ्ते टूट जाते हैं, इसलिए इसे दो से तीन मिनट देने ऊपर से ढक के। तो हम उतार के देखेंगे, इसे यहाँ से पकड़ना और ऐसे घुमा देना। तो फिर बंद कर देना जब तक ये हमारे कोफ्ते सख्त नहीं हो जाते, थोड़े से उनमें से जो पानी होता है वो निकल के इकट्ठे नहीं हो जाएंगे, तब तक हम इसे अब कवर ही रखेंगे, उसके बाद भूनना शुरू करेंगे। अब कोफ्ते की मैं बनाई कर रही हूँ, उन्हें जितना मैंने बंद करके रखा है ऊपर से कीमा जो है वो अच्छी तरह गल जाए, और फिर उनको फिर भी बड़े आस्ता से आराम से चलना। मसाला आप देख सकते हैं, ये जो मसाला बिल्कुल बारीक हो जाता है, बिल्कुल ग्रेवी से बनाई जाती है।
अब इसमें मैंने एक बड़ी सब्ज़ मिर्च काट के रखी हुई है, ये डालूँगी क्योंकि इसका जो कच्चा पान है वो भी ख़त्म हो जाएगा और कड़वाहट भी थोड़ी कम हो जाएगी आप सबके, और इसका जो टेस्ट है वो सब्ज़ मिर्च का जो टेस्ट है वो बरकरार रहेगा। तो मैं हमेशा बिल्कुल अफेद पर डालती हूँ सब्ज़ मिर्चें, तो मुझे खुद पसंद भी बहुत है सब्ज़ मिर्च, इसको सालन में जो इसका टेस्ट आता है वो मुझे बहुत पसंद है। आप अपने हिसाब से, जैसे कोफ्तों की रेसिपी यही है, मसाले कम ज़्यादा जिस तरह आपको लगे, कुछ लोग ज़्यादा खाते हैं कुछ लोग कम खाते हैं, तो जिस तरह आपको सही लगे उस तरह मसाले डाल सकते हैं। मैं खुद डालती हूँ जो है सुरख मिर्च में डालती हूँ, सब मिर्च ना तो पापड़ी का पाउडर कलर के लिए डालते हैं, तो कभी कभी वो आखिर पे हम गरम मसाला डालेंगे। कोफ्ते हमारे तैयार हो चुके हैं, आप देख सकते हैं इसका बहुत अच्छी से इसकी मैंने बनाई की अच्छे से, और आप देख सकते हैं इसका तेल रेडी हो चुका है। तो आपको इसी के साथ ही हम वीडियो ख़त्म करते हैं, अल्लाह हाफिज़।